मुझे मालूम है अब आपको इंतजार है घरेलू नुस्खों का। आज बहुत ही काम की बात बताने जा रहे हैं आचार्य जी, जो जुड़ी है सीधा आपके दिल से। देखिए, यह एक अर्जुन आपके विभिन्न रोगों के लिए बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका आप प्रयोग कर करके, इसको आप अपने जीवन में अपना करके, यह आपके लिए फलदायी हो सकता है। आप सुखी हो सकते हैं, निरोग हो सकते हैं। आइए इसका प्रयोग करके हम इन सब रोगों से बचें। तो हृदय रोग के लिए बहुत सरल उपाय है जो हम प्रायः बताते हैं, इसको बहुत सिंपल इसका प्रयोग है। ताज़ा ये मिल जाए, लगभग आप 10-15 ग्राम छाल को कूट करके लगभग 200-300 ग्राम पानी में पका लें, और बच करके जब एक चौथाई रह जाए छान करके, चाहें तो इसमें थोड़ा सा आप दूध मिला लें। इसको आप प्रातः सायं सेवन कर सकते हैं। इससे आपकी हृदय की समस्या, हृदय की धड़कन, एंजाइना पेन, इसमें इससे लाभ होता है भरपूर। इसके अतिरिक्त छाल को आप सुखा करके फिर पाउडर करके, उस पाउडर में से लगभग 5 ग्राम 1-1.5 गिलास पानी में पका करके, आधा गिलास बचने पर छान करके, दूध मिला करके या बिना कुछ दूध मिलाए भी आप सेवन कर सकते हैं। वही लाभ जो आपको हरे छाल से हमें मिलता है, वही आपको इस सूखे हुए छाल का काढ़ा बना करके पीने से भी मिलेगा। ये हृदय रोग के लिए बहुत सरल प्रयोग है। दूसरा प्रयोग, आप इस छाल को लेकर के पानी में उबाल करके बिना दूध मिलाए भी पी सकते हैं। इससे हृदय की शक्ति, हृदय की कार्यक्षमता, क्योंकि एंजाइना पेन के लिए आप औषधियां ले सकते हैं या सर्जरी करा सकते हैं, परंतु जब हार्ट का जो फंक्शन है, हृदय की जो कार्यशीलता है, वो कम हो जाता है, उस समय पर बहुत सारी औषधियां काम नहीं करती हैं। परंतु उस स्थिति में भी ये अर्जुन का छाल बहुत आपके लिए दिव्य औषधि का काम करेगा। धीरे धीरे आप प्राणायाम करें, हृदय रोगियों को धीरे धीरे प्राणायाम करना चाहिए, साथ में इस अर्जुन के छाल का सेवन से आपको पूरा लाभ हो जाएगा। ये अर्जुन के छाल निकालने के फेर में पेड़ों को समाप्त न करें, मैं पुनः निवेदन करता हूँ। इसका आप ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर ख्याल रखें।